दोस्तों रोटेशन ड्रैगन शॉट टेक्निक एक ऐसा अमेजिंग ड्रैगन शॉट टेक्निक है जिसको कोई प्लेयर अगर अच्छे से सीख लेता है तो यार उस प्लेयर को कोई भी एनिमी 1v1 सिचुएशन में बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा, चाहे उस एनिमी का लेवल 90 क्यों ना हो, चाहे वो एनिमी बहुत ही अच्छा खासा प्रो प्लेयर ही क्यों ना हो। और तो और इंडिया का फास्टेस्ट प्लेयर राइस्टार के सारे हेडशॉट के पीछे का सीक्रेट है रोटेशन ड्रैगन शॉट टेक्निक। ओके तो भाई यार आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि रोटेशन ड्रैग के ऊपर वीडियो लाओ, सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट दिस अमेजिंग रोटेशन ड्रैगन शॉट टेक्निक। एंड गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 रोटेशन ड्रैगन शॉट के अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि अगर आपको रोटेशन ड्रैगन शॉट आता है तो यार आप उसको और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, और अगर आपको नहीं आता तो यार आप रोटेशन ड्रैगन शॉट को अच्छे से सीख जाओगे। एंड भाई यार मैं आपको बता दूं कि यार इन सारे के सारे ट्रिक्स को आप 2GB रैम के डिवाइस पे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप 8GB पे खेलते हो तो यार उसमें भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप पीसी प्लेयर हो, पीसी में रोटेशन ड्रैगन शॉट को मारना चाहते हो, परफॉर्म करना चाहते हो तो यार आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यार अगर आप ये सोच रहे हो कि रोटेशन ड्रैगन शॉट को यूज करके यहाँ पर क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है, तो यार मैं आपको बता दूं कि रोटेशन ड्रैगन शॉट को यूज करके आप वेरी शॉर्ट रेंज के अंदर एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो बहुत ही इजीली। और तो और भाई रोटेशन ड्रैगन शॉट के अलावा अगर कोई और ड्रैगन शॉट टेक्निक का यूज करते हो, अगर आप शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट मारना चाहते हो, तो यार वहां पर आप शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट नहीं मार पाओगे, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ड्रैगन शॉट को ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो भाई अब हम बढ़ते हैं हमारे रोटेशन ड्रैगन शॉट के सबसे पहले नंबर ट्रिक की तरफ। तो यार हमारा सबसे पहला नंबर जो ट्रिक बन कहता है वो है सेटिंग्स। तो भाई यार गेम की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको चले जाना है कस्टम मोड पे। तो यार कस्टम मोड के अंदर आप 4 बटन का यूज करोगे रोटेशन ड्रैगन शॉट को परफॉर्म करने के लिए, वो है राइट फायर बटन, रन बटन, जंप बटन एंड गन स्विच बटन। तो यार इन्हीं चारों बटन का आपको ट्रांसपेरेंसी हमेशा 100 रखना है ताकि आप इनको अच्छे से देख पाओ और अच्छे से क्लिक कर पाओ, एंड देन रोटेशन ड्रैगन शॉट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। और यार फायर बटन को आपको कुछ इस तरह से प्लेसमेंट करना है ताकि फायर बटन के चारों ओर थोड़ा सा जगह हो, स्पेस हो, ताकि आपको उसे ड्रैग करने में कोई परेशानी ना हो। और भाई यार सबसे इंपॉर्टेंट बात यार आप लोग पूछते रहते हो कि यार फायर बटन का साइज कितना रहेगा, तो यार फायर बटन का साइज आपको अपने थंब के हिसाब से रखना है ताकि आप फायर बटन के ऊपर इजीली क्लिक कर पाओ एंड इजीली ड्रैग कर पाओ। तो भाई अब हम बढ़ते हैं हमारे रोटेशन ड्रैगन शॉट के सेकंड नंबर ट्रिक की तरफ। तो यार सेकंड नंबर जो ट्रिक बन के आता है वो है रोटेशन ड्रैगन शॉट ट्यूटोरियल। तो भाई यार रोटेशन ड्रैगन शॉट को परफॉर्म करने के लिए आपको एनिमी के पास रन करते हुए जाना पड़ता है, एंड देन एक छोटा सा जंप लेना पड़ता है। तो यार ये जंप कोई नॉर्मल जंप नहीं है, इसको कहते हैं हम सुपर जंप। सुपर जंप लेने से आपको यहाँ पर फायदा ये मिलता है कि आपके करेक्टर का फेस अलग साइड पे होगा और आपका करेक्टर का एम अलग साइड, तो यहाँ पर एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार आप देख कर रहे हो और यहाँ पर एम सेट कहाँ पर कर रहे हो। तो यार एम के बारे में बात करें तो यार एम को आपको हमेशा वाइड रखना है रोटेशन ड्रैगन शॉट को करने के लिए, और आपके एम के जिस साइड पे एनिमी का फेस रहेगा, एनिमी का हेड रहेगा, उसी साइड पे आपको फायर बटन को सिंपली से ड्रैग कर देना है रोटेट करके। तो यार सिंपली से आप जैसे रोटेट करके फायर बटन को ड्रैग करोगे तो आपका एम ऑटोमेटिक एनिमी के हेड के ऊपर जाकर लॉक हो जाएगा और यार एनिमी को लग जाएगा रोटेशन ड्रैगन शॉट। तो भाई यार वही पर अगर आपका एनिमी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लाइक आपके लेफ्ट साइड पे होता है, तो सेम प्रोसेस को आपको लेफ्ट साइड के अंदर यूज करना है, यानी कि आपको ड्रैग लेफ्ट साइड पे अंदर करना पड़ेगा और आपका एम ऑटोमेटिक एनिमी के हेड के ऊपर लॉक हो जाएगा। और भाई एक चीज का याद रखना कि यार यहाँ पर आप जब ड्रैग करोगे तो आपको ड्रैग बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, तभी आप सुपर फास्ट रोटेशन ड्रैगन शॉट को परफॉर्म कर पाओगे। तो भाई यार अब हम बात कर लेते हैं हमारे रोटेशन ड्रैगन शॉट के थर्ड नंबर ट्रिक की। तो यार थर्ड नंबर जो ट्रिक बन गया है वो है रोटेशन ड्रैगन शॉट के कुछ प्रॉब्लम। तो भाई यार रोटेशन ड्रैगन शॉट को परफॉर्म करते टाइम सबसे पहला नंबर जो हमारा प्रॉब्लम बन गया है वो है हमारा एम एनिमी के हेड के ऊपर से एकदम से लॉक नहीं होता, एकदम से हमारा एम एनिमी के हेड के ऊपर से रिकॉइल कर जाता है, यानी कि हमारा सारा का सारा गोली एनिमी के हेड के ऊपर से चला जाता है, बट यार हम ड्रैग भी अच्छे से करते हैं और जंप भी अच्छे से लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको सिंपली से अपने फ्री फायर के सेंसिटिविटी पे जाना है, वहां पर जाने के बाद जनरल सेंसिटिविटी को आपको 100 रखना है, बट आपका रेड डॉट का सेंसिटिविटी जितना है उससे आपको 10% माइनस कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यार बहुत सारे प्लेयर का एक और प्रॉब्लम बन गया था कि रोटेशन ड्रैगन शॉट करते टाइम उनका एम एनिमी के बॉडी के ऊपर बिल्कुल ही लॉक हो जाता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको सिंपली से अपने सेंसिटिविटी पे जाना है, वहां पर जाने के बाद जनरल सेंसिटिविटी को आपको 100 कर देना है, और रेड डॉट का सेंसिटिविटी अगर आपने कम करके रखा है तो आपको सिंपली से उसको बढ़ा देना है, आपको 100 कर देना है, और यार आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। और भाई यार इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही टिप्स बताए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशन ड्रैगन शॉट को परफॉर्म करने के लिए। और भाई यार अगर आपको रोटेशन ड्रैगन शॉट के ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो क्योंकि मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बनाने वाला हूं। तो यार अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। एंड भाई अगर आप 2GB रैम वाले प्लेयर हो, 2GB रैम वाले फोन के अंदर गेम प्ले करते हो, और अगर आपको रोटेशन ड्रैगन शॉट के सेटिंग्स जानना है 2GB रैम वाले फोन के अंदर, तो यार लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लो, और अगर आपको रोटेशन ड्रैगन शॉट किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं हम वो जानना है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लो।